आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। हाय, आई एम डॉक्टर हिरणमयी झा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। सो हेयर लॉस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइजिंग होता है जब हम फेस कर रहे होते हैं, और हर किसी के मन में ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज और क्यों हो रहा है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आज हम कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और पहला कॉज है एंड्रोजेनेटिक अलोपेशिया। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही कॉमनली पाया जाता है, और इसकी जो कारण है, उसका रीज़न है कि हम कुछ जीन्स इनहेरिट करते हैं जिसकी वजह से लॉस होता है। इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। जो फीमेल्स में इसके लक्षण होते हैं वो जो आपकी पार्टीशन है, जो मांग है, उसका चौड़ा होना होता है, और मेल में रिसीडिंग हेयर लाइन और बॉल्डनेस इसके डिफरेंट लक्षण हैं। दूसरा जो कॉज है वो है अलोपेशिया एरियाटा, या फिर जिसमें कि आपकी इम्यून सिस्टम में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं जो कि आपके हेयर लॉस करा रहा होता है। नाउ देयर इज़ अनदर रीज़न फॉर हेयर लॉस, और वो है कि कोई स्ट्रेस, चाहे तो वो मेडिकल इलनेसेस की तरीके से हो या कोई भी इस टाइप का स्ट्रेस हो जो कि आप नया आपको फील हो रहा है, या पोस्ट चाइल्ड बर्थ, तो इन लोगों में हेयर लॉस ज़्यादा पाया जाता है। अगेन देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस। अब कुछ पेशेंट्स जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, उनमें देखा गया है कि जो हेयर थिनिंग ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स में भी हेयर लॉस की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। नाउ देयर आर सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर हेयर स्ट्रेंथ, और अगर वो हमारे बॉडी में डेफिशिएंट हो तो उससे भी हेयर लॉस बढ़ जाता है, जैसे कि प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, जिंक, इन डेफिशिएंसीज में भी हेयर फॉल काफ़ी होने लग जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि कैंसर ड्रग्स, उसमें भी हेयर की जो फॉल होने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। पर यह देखा गया है कि जब उस दौरान आप अगर जैसे कीमोथेरेपी चल रही है तो जो आपका हेयर फॉल है वो बढ़ता है, और फिर जैसे ही आपकी कीमोथेरेपी बंद होती है तो वापस वो आने की बाल आपके आते हैं। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं हेयर लॉस के, और इनको अगर हम सही तरीके से कोशिश करें ट्रीट करने की तो इनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बने हुए हैं, और आपको अपने नियर बाय प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट से जा कर के मिलना चाहिए और जाके इसको एक सही समय पे रोकना चाहिए। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग हेयर फॉल और हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स, यू कैन राइट टू अस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और कम टू आवर सेंटर विच इज़ लोकेटेड एट शिवालिक मालवे नगर, एंड वी विल बी हैप्पी टू treat all your problems. Thank you.